ओके सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई कल ना वोटिंग है, अभी समय है 5:32 और यहाँ पे मैं गांव में आ रहा हूँ। पहली बार किसी गांव में जो 78 गांव है, पहली बार किसी गांव में आकर गांव के लोगों से मुखातिब हूँगा। हालांकि गांव में मैं तो कई बार गया, लोगों का माहौल देखे, पर मैंने सोचा एक गांव की वीडियो बना लेनी चाहिए। यहाँ की वीडियो इसलिए, यो गांव है मिठनपुरा, यहाँ पे एक से एक शानदार घर है भाई और ज़बरदस्त लोकेशन थी, तो जी करके चला रहा है कि तो वीडियो बना ही लूँ। और माहौल जो देखा जा रहा है, मैं भी देखने लग रहा हूँ इनेलो का माहौल। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनेलो का माहौल इस गांव में पूरे में ही मैंने ऐसा लगा है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ इनेलो के वर्कर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग तरीके से उनसे बात करेंगे। लेकिन जो गांव के लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे कि भाई उनका क्या कहना है। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। और ठीक ठाक जी? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा के लग है कल है वोट किस पे गिरोगे, के सिंह? अभय सिंह है, अभय सिंह ने गिराऊंगा। अभय सिंह ने? हाँ। आप सारे ही अभय सिंह के तरफदारी में बैठे हो जी? हाँ बिल्कुल, अभय सिंह के। माफ करना, मैं पूछना चाहूँ कि विपक्ष जो है जिसमें भाजपा है या कांग्रेस है, वो यूं को है कि भाई वो तो अड़िग सभा के हैं, बैठे बैठे भाषण दे दे हैं और थोड़ा सा करड़ा नेचर है उनका, प्यार तो नहीं बोलते हैं ना? बहुत प्यार हूँ बोला है, बहुत लाइक हूँ बोला है, बहुत मारा अच्छी सुनाई करे, काम कुम करे कि मैं? बहुत काम करे, जो काम वही काम करे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, आपके हिसाब से भी इस्तीफा उन्होंने सही दिया कि गलत दिया? सही दिया, किसानों के लिए। किसानों के लिए? हाँ। लेकिन यहाँ पे किसान भी अलग पार्टी बना रहे हैं, उसका क्या, उस बारे में क्या कहना है आपका? किसान किसी पार्टी बना हुआ है जो यहाँ पे वे संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ है, वे भी तो ना ना, इसमें भी कोई रोल को नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा? ना कोई कैंडिडेट नहीं, कोई नहीं है जी। और जो टिकैत साहब आए हैं, चरूनी साहब हैं, उनके बारे में क्या सोचना आपका? भाई सही कह, भी देखो किसान इस तो पति है, किसान खातर लड़ाई करना रहे, बीजेपी ने जेजेपी ने वोट कौन करना अपन? और कांग्रेस भी और कोई पार्टी? मैं और कोई पार्टी को नहीं, मैं तो बिल्लू देंगे वोट। बिल्लू नहीं? हाँ। गुड़िया बिल्लू कौन है बता दे बेटा? अच्छा तो भाई यहाँ पे जो दो चार बैठे हैं उनकी तरफ से तो नुए कहना है कि भाई जो अभय सिंह की जो इमेज है वह इतनी खतरनाक है नहीं, क्यों को नहीं लगती जी खतरनाक? जो भाजपा है कांग्रेस में तो नुए को है, सारी महंगाई करा की है, सर्विंग करा क्यों ना काम करा ना बात है, सड़क पड़ी है टूटी फूटी। मैं नु कहूँ कि अभय सिंह आपने बड़ी आदमी लागे, लेकिन दूसरे तो नुकू भाई वो तो खतरनाक है? नहीं है जी, खतरनाक है, बहुत बढ़िया है जी। दूसरा तो लगेगी ना, लगेगा जी, दूसरा तो लगेगी, बुराई करनी है तो करेगा, लोग करेगा, बुराई नहीं करेगा तो बने एक आधो कोई वोट आवे वही को नहीं आवा, कोई को नहीं आवा, तो बुराई तो करनी पड़ेगी ना। तो आप अपनी समस्या रख को आराम हूँ, अरे चौगान में बैठ के सुन के जा रहा हूँ, अच्छी सुनाई, एक एक आदमी की सुनाई करके जाए। काम के तो इस हल्के के तो काम को देख करेगी नहीं उन्होंने, चौटाला का ही करेडा है, बाकी किंगा काम ही कौन करेडा है? चौटाला सरकार में जगह काम होया भाई, हो डबिंग बाद में कोई काम ही कौन होया? फिर वही तो को है ना भाई, कदे काम मांगने नहीं गए मैं तो खट्टर साहब पे। नहीं जी, खट्टर साहब कई बार गांव के गए, यहाँ पीछे पवन बेनीवाल था, वो 7 इसमें रह गया, वो कांग्रेस में आ गए, तो काम कहाँ किया है ये बताओ? अगर उनका काम किया होता तो अब उनको जाने की जरूरत नहीं थी कांग्रेस में। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं इनकी एक विचारधारा है, बिल्लू इज बेस्ट, सॉरी टू से दैट, अभय सिंह चौटाला इज बेस्ट, जैसा कि इनका मानना है। अभी यहाँ पे नीरज भाई बैठे हैं जो इनेलो पार्टी से हैं, भाई धर्मेंद्र बैठा है जो इनेलो पार्टी से है, ये साहब जुलाना से हैं जो इनेलो पार्टी से हैं, अरविंद तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है भाई। कौन से गांव के सरपंच हो जी आप? तेजा खेड़ा के पूर्व सरपंच हो जी। तेजा खेड़ा के पूर्व सरपंच है भाई, अरे कई जने नु कह रहे हैं और तो जान जान में राम है 66 जे हैं। तो तेजा खेड़ा के बारे में जो बातें प्रचलित है, कितनी सच कितनी झूठ है जी तेजा खेड़ा फार्म के बारे में? बहुत बढ़िया है जी, फार्म के बारे में क्या है बारे? सारी बात सच्ची है? सारी बात सच्ची है? नहीं, जो मतलब काम करवाते हैं बढ़िया, कोई गुस्सा ऐसी बात है ही नहीं, वो सारी अफवाह है जी। अफवाह है बिल्कुल। तो धर्मेंद्र भाई भी है, फिलहाल नीरज के दौरा चलना, नीरज से बात कर लें भाई साहब। राम राम। राम राम भाई, राम राम। जनाब कैसे हो? बढ़िया, अपनी बता। एकदम बढ़िया। अच्छा सीधा सा सवाल,
जो विपक्ष दो क्वेश्चन आपके ऊपर उठा हुआ है, मतलब अभय जी पे उठा हुआ है। पहला तो यो कि भाई उन्होंने रिजाइन दिया ही क्यों, आपका क्या कहना है क्यों रिजाइन? मैं आपको एक बात बताऊंगा, किसान आंदोलन चला हुआ था जी। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक स्पष्ट शब्दों में एक बयान दिया था कि 26 जनवरी तक काले कानून वापिस ये सरकार ले लेगी तो ठीक है, अगर नहीं लेगी तो मैं 27 जनवरी को अपना इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने अपनी बात पर कायम रहते हुए 26 जनवरी को जब आंदोलन एक नया मोड़ लेकर के चला गया था कि आंदोलन टूटने की कगार पे हो गया था, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 27 जनवरी को किसानी मांग को लेकर के किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस्तीफा दे दिया। और जो विरोधी आप बात कर रहे हो फलाने यूं कांग्रेस वाले कहते हैं, ये लोगों का जो बाकी विधायक हैं उनका जमीर जगाने के लिए दिया था, अब उनका जमीर नहीं जागया तो इसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का क्या कसूर है? अगर उनकी जमीर जाग जाता सारे इस्तीफा देते तो आज मध्यावर्ती चुनाव होते, एक उपचुनाव नहीं होता। यह बात यो मजा है सारी पार्टियों में बात करने का, भाजपा अपने तर्क रखा है, कांग्रेस अपने रखा है, इनेलो की तरफ से यो तर्क आया है भाई आपकी आत्मा आपका जमीर जगाने खातिर यो इस्तीफा दिया है, अगर सारे नु इस्तीफा दे देंदे तो चुनाव डंगसर सूत्री जाल हो जाते, यो इकला चुनाव नहीं होता, कहीं ना कहीं बात मानने लायक भी है और एक हद तक सही भी है। धर्मेंद्र से बात कर लें भाई साहब। राम राम। राम राम जी भाई। अच्छा आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी भी हो गए जनाब, आपके ऊपर तो पर्सनली ऊपर से भी बात उठने लगी, कहीं ना कहीं जो गाड़ियां पे एक पथराव हुआ था कहीं ना कहीं आपका उसमें हाथ था, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं देखो, कल दिग्विजय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वैसे भी पहले भी ये बोखड़ा ये है फिजूली आदमी है, मैं तो दिग्विजय को फिजूला मानता हूँ। पर्सनल अटैक करना ये कहना कि ISO के पदाधिकारियों का हाथ है और इसमें ISO इस आंदोलन में ये है ऐसे बेहतर क्या, मतलब ISO इस आंदोलन में है आगे भी रहेगी लेकिन हम असामाजिक गतिविधियों में नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी माता बहन बैठी हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, उनसे आगे बैठे हैं और उनकी सेवा करने लग रहे हैं, इसका मतलब तो क्या है? इसके मतलब हम किसानों के साथ खड़े हैं क्या? हम देशद्रोही हैं? आतंकवादी थोड़ी हैं? अपने माँ बाप परिवार के साथ खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे? वो फिजूला है, वो एक बार डांसर है दारूबाज हमारे से क्या? चलो चलो चलो, अभी पर्सनल अटैक पे आगे तो जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं कह सकता जैसा कि इन्होंने, जैसा इनकी सोच। अच्छा धर्मेंद्र भाई, अब यो इलेक्शन जो इलाहाबाद का देखने लग रहे हो आप, या तो बॉर्डर पर हो या फिर यार हो, यहाँ पर आपने के सीन देखा जो 78 गाँव है के कुछ माहौल लगा है? देखो यहाँ पे एक तरफा माहौल है बिल्लू का, हमने तो बिल्लू आ गए यहीं पर सुना है, हम तो चौधरी अभय सिंह चौटाला सुन के आए थे यहाँ से, बैठ जित भी बैठक में बैठा जहाँ भी जाओ सरदार बेल्ट में चले जाओ या 45 में चले जाओ जहाँ चले वहीं तो एक ही बात सुनने मिलेगी, अठे बिल्लू है, अठे बिल्लू है। हाँ आप ये गांव में कैमरा घुमा देख लो, किसी भी गाँव में चले जाओ सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, कैमरा घुमा लो देख लो जहाँ से लड़ी देखो, कैमरा घुमा के दिखा दे भाई, ये देखो चुगर दे लड़ी लग रही है, हालांकि मेरे आन खातर नहीं लग रही है भाई, जगदीप तो दिखाओगे इतना बड़ा जगदीप है नहीं, बाकी अभी चुगर दे लड़ी देखने लग रहे हो, अरे अरा सावन किसी भी गांव में चले जाओ जी वैसे। अगर राजनीतिक द्वेष होता ना किसी गांव में, आपको ही पता है वहां पे लोग एक घंटा किसी की लड़ी नहीं लगने देते, या फिर वहां पे खींच तनाव बन जाता है, या कांग्रेस की लगेंगी या बीजेपी की लगेंगी या ये लगेंगी, एक तरफा माहौल कहीं चले जाओ सरदार। बड़े बड़े फ्लैक्स तो शायद किसी किसी पार्टी के लगे हुए हैं मेन रोड पर कहीं, इस तरीके से बहुत कम यहाँ पे देखने को आ रहा है, इनेलो के ज्यादा इसमें भी कोई शक नहीं। सब जगह आप जाओगे ना उस तरफ देखो, एक इस आंदोलन में आंदोलन याद आता है, चलो आंदोलन ही है ये किसानों का आंदोलन ही चला हुआ है, इस आंदोलन को ही जीवित रखना है यहाँ पे। इस इलेक्शन के अंदर एक जो ब्राह्मण समाज ने जो अपना स्वाभिमान दिखाया वो आपके लिए एक अच्छी बात बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, ब्राह्मण समाज ने यहाँ ऐसी एकता का परिचय दिया, आपने वेस्ट बंगाल भी देखा होगा, यूपी में भी देखा होगा, कहीं भी अगर 50 कहीं स्टार प्रचारक होते थे 10-15 ब्राह्मण समाज से होते थे कोई सांसद या MLA केंद्रीय मंत्री, यहाँ पे अब तक गीतिका शर्मा हत्याकांड के बाद जो इन्होंने जलीलता एक समाज के साथ की है जो इन्होंने किया, उसके बाद ब्राह्मण समाज का एक भी नेता कोई एक सरपंच लेवल का भी नहीं, सेंटर मिनिस्टर तो बहुत ही, एक भी ब्राह्मण इनके लिए वोट मांगने नहीं आया, ये होता है असली स्वाभिमान, ये दिखा दिया अपनी बेटी के लिए खड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने पार्टी साइड में रख के किया है। और सरदार बेल्ट में जाओगे वहाँ आंदोलन का है, यहाँ पे 45 जाओगे वहाँ 36 बिरादरी एक मिलेगी, यहाँ जात पात धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है ये इलेक्शन।
ब्राह्मण एमएलए मंत्री के बारे में तो शायद, क्योंकि मेरे ख्याल से रामविलास शर्मा ही मैंने दिखे, तो और तो कोई दिखा नहीं, भी नहीं। आप किसी की बाइट दिखा दो, एक भी ब्राह्मण समाज के, वो भी आज के समय ना तो एमएलए ना भी कुछ नहीं। हो लिस्ट निकाल के देख लो, एक भी ब्राह्मण नेता या सेंटर का मिनिस्टर कोई भी नहीं। ये तो अब तक कहीं पॉइंट सुनने में भी नहीं आता, लेकिन धर्मेंद्र ने सोचने में मजबूर कर दिया मैं कि क्या ये ब्राह्मण नेता का ना आना गीतिका शर्मा से ही लिंक्ड रखता है क्या? ये तो एक बहुत बड़ी बात धर्मेंद्र भाई ने कह दी। यो कहाँ से आपने यह बात पे सर्च करा, कैसे सर्च करा? भाई दिन रात यहाँ रहे, गांव में घूमे हैं। इनकी जो स्टार प्रचारक कोई लिस्ट आती है ना, वो देखते हैं स्टार प्रचारक किस टाइप के हैं, गोपाल कांडा से लेके और नीचे तक सारे जो इनके स्टार प्रचारक है, चाहे उसमें अपने दारू घोटाले बाज ये दूषण चौटाला हो या यो बलात्कारी कांडा हो, ऊपर से लेके नीचे तक। चलो मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता दारूबाज या बलात्कारी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात में सत्यता हो सकती है कि ब्राह्मण यहाँ पे भाजपा की टीम में स्टार प्रचारक शायद मेरे को भी दिखे नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं सच है, हम नहीं यहीं से सुने हैं। इलाहाबाद में आप कहीं जाओगे ना, खुले नारे वीडियो है लोगों की, सीधे नारे लगे हैं बलात्कारी कांडा मुर्दाबाद के नारे लगे, खुली वीडियो। मैं तो भाई साहब ऐसे शब्दों का खैर, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आप तो जुलाना से हैं, हल्का प्रधान जुलाना से। अच्छा, एक दूसरा जो टॉपिक उठाया है कांग्रेस ने और भाजपा ने, जजपा ने, उनका कहना ये है कि भाई कोई नेता था उन्हें बैठा बैठा भाषण देता देखा, लेकिन बिल्लू सॉरी टू से बिल्लू बैठा बैठा भाषण देवे इस तरह फालतू घमंड किसे में नहीं, इस बारे में क्या कहते हैं? बैठने में घमंड हो जाता क्या? लेकिन एक शालीनता तो है भाई, भाषण खड़े होकर ही हमेशा दिया। मैं अब आपसे बैठे बैठे बात कर रहा हूँ, मैं घमंड से थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप वोट नहीं मांग रहे ना अभी। वोट तो नहीं मांग रहा, लेकिन ना मैं बिल्लू जितना मैं कुछ बड़ा, ना बिल्लू जितना कुछ बड़े। ठीक बात आपकी, आम जनता तो बैठे बैठे बोलेगी तो जचेगा, एक व्यक्ति जो मंत्री है और बड़े लेवल पे है वो बैठा बैठा हुआ है, उस बात को थोड़ा सा ईगो से देखा जाता है जनाब। पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारतवर्ष जानता है कि उनकी कमर में 6 महीने से दर्द चल रहा है। एक तो बैठने का कारण ये है, बैठने से पहले वो इजाजत लेते हैं कि मैं बैठ के बोल सकता हूँ क्या, फिर पब्लिक कहती है कि आप बैठ के बोल सकते हो। ये बात मानने लायक है भाई, क्योंकि मैं जब जींद में प्रोग्राम था तो 2-3 घंटे उनकी एक्सरसाइज, उनके डॉक्टर आया करते कमर के लिए। यहाँ ये पॉइंट नोट करने लायक है। अच्छा, नीरज के पास फिर चले जाते हैं, आता हूँ सर मैं आपके पास। भाई साहब यहाँ का सर्वे क्या कहो है, 79 गांवों का सर्वे, कितना वोट आपने लगा है? एक जब मैंने यहाँ पे 20 दिन पहले आया था तो यूँ कहूँ थे कि भाई कंपटीशन तीनों के बीच में है, तीनों पार्टियों के बीच में। आज का समय क्या कहें? मैं आपको बता दूँ, यहाँ चुनाव जो है ना जी, वो सत्ताधारी पार्टी और किसानों का चुनाव है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का अकेले का चुनाव नहीं है वो। और मैं आपको बता दूं यहाँ इतना एक तरफा माहौल है, भाजपा जजपा और कांग्रेस ये तो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और तो कोई टक्कर ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, और तो कुछ भी मतलब अपनी जमानत बचाने के नंबर पे और अपने दूसरे नंबर पर दूसरे दसरे का तो कोई सिस्टम नहीं, सारे की इतनी एक जोड़ लोगे आऊंगी इतनी इस फलतू एक लग के आऊंगी, जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव तो कंपटीशन है, कोई एक तरफा है। क्या बात है, तो यो फायदा है सारी पार्टियां में घूमने का, सारी पार्टियां मारने का, वहां से जो सवाल है इनसे ले लेवा, इनके सवाल है जो आगे पास कर देवा, उससे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और बहुत मजा आया भाई यहाँ पे बात करके। कितने वोटों से जिता दोगे जी आप? खूब वोटों से जीतेंगे जी, खूब अच्छे वोटों से जीतोगे, एक तरफा माहौल है जी। पिछली बार तो 10-11 हजार वोटों से जीते, अब की बार कम से कम 30-35 हजार वोटों से, 30-35 हजार आराम से 40 हजार वोटों से जीतेंगे जी। बीजेपी तीसरे नंबर आएगी और कांग्रेस के साथ फाइट है। अच्छा हाँ जी, कांडा कुंडा कुछ को नहीं हटा मारका में तो कांडा का कांडा तो रात रात में नू तख्ता पलट कर कुछ भी को नहीं, कांडा का मारका में तो 40 वोट आवागी कुल्ली, इलाहाबाद हल्का हूँ 18 हजार वोटों ऊपर कौन टपा कांडो, और कांग्रेस ने 20-22 हजार वोट आवागी, बाकी टोटली वोट आवे सिंह है, टोटली बिल्लू की वोट आवे और कि नहीं को नहीं। आपका क्या कहना है जी? भैया एक तरफ हवा को जबान जब तो हो जाएंगे, मेरे तो वो कहना है जबान जब तो जाएगी। राम राम जी, राम राम, ठीक ठाक जी, ठीक ठीक बढ़िया। अरे तो तू, अरे तू भी ब्लू न जाने के क्या कहना है आपका जी, इलेक्शन को लेकर कौन जीतेगा, कौन ब्लू जीतेगा जी? ब्लू जीतेगा 100%। खासियत की है उनमें, खासियत की है? खासियत 7 दिन माँ बैठनी आदमी है, खासियत क्यों होनी, अब बैठे 10 मिनट पहला है। अच्छा हाँ, सारा वहाँ अच्छा मिल रहा है, अच्छा काम करे, कद आधी रात जाओ तो हमारा काम करे जानता ही। भाई साहब
राम 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 भाई। अच्छा के लगा है, कैसे जीतेंगे बिल्लू जी? बिल्लू एक तरफा जीतेंगे जी, एक तरफा, एक तरफा है जी। एक तरफा जीतेंगे जी, एक तरफा, एक तरफा। हाँ जी, आप एग्री कोई आ रही हो हैं? आप एग्री कोई आ रही हो आज तक? सही बात है, सही बात है, सही बात है। कितना साल हो गया? 45 साल हो गया आन दिन तन हैं। अरे क्या नाम बेटा आपका? बता दो बेटा नाम। परी भांबू। परी भांबू, आपका क्या नाम है? मानवी अल्डू। अच्छा, यहाँ कौन जीतेगा? बिल्लू का नाम क्या है? बिल्लू, बिल्लू कौन है? अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला, आपने देखा उनको कभी? अरे वेरी गुड। तो भाई माहौल ये नहीं कि मैंने 5-7 जना से बात कर लिया यहाँ पे वो जीतेंगे, ऑलमोस्ट माहौल यही है यहाँ पे। और मैं तो ज़्यादा से खुल के नहीं कहूँगा, लेकिन सेंटर की जितनी पार्टी ना राग है मानने गई है और कुछ नहीं है जी। आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अभय सिंह चौटाला में घमंड है, इस घमंड है क्या? हाँ घमंड है क्या? बिना क्या दोनों मैंने कह दिया बात। आप कांग्रेस वालों से और बीजेपी जेजेपी वालों से जाकर ये पूछो, इसके अलावा आपके पास और क्या लांछन है बिल्लू के? मेरी तरफ से उनसे क्वेश्चन करना कि बैठने वाली बात। क्वेश्चन करने जाऊंगा इतने रिजल्ट आ जाएगा? नहीं नहीं, आज तो मिलोगे, सभी से मिलोगे, आज तो घूम रहे हो, रस्ते में तो आपको मिलेगा। कल तो वोट पोल होनी है, रिजल्ट तो 2 तारीख को आएगा। और यहाँ पूरी विधानसभा अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला ही है। लांछन लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन लोग सुनो मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप आपके आप इसी गांव से हैं। यूं कहें कुछ लोग जो गरीब हैं वो डरे हैं नहीं, नहीं, नाम लेने से यार, वो ना, ना, बिल्कुल जी कोई कौन डरे, जो भी अभय सिंह कंजावे नहीं जी भाई साहब, मारो काम है तो तुरंत ही फोन लगे, तुरंत ही मतलब जी फोन में जी लाइट जावे नहीं, बटन दाब जी बल्ब जग जाए नहीं, बीए ही काम हुआ, चाहे डीसी कन फोन करो, चाहे एसपी कन करो, किंग करो, तुरंत ही काम हुआ है। यहाँ को नहीं भी फोन कर दियो, हाँ जी तेरा काम हो जाओ, लटक बोकरा 6 महीना लग जाए, 12 महीना, 1 मिनट में मतलब फोन के सके कहीं तक सके फोन करेगा, यार तुरंत काम हुआ, तभी तो लोग साथ जुड़ रहे हैं। अरे बात है घमंडी करो, अभी बैठने करो तो लोग सम्मान कर, लोग सम्मान करे जी, आगे भी अड़े बैठे ठाडे ठाडे बैठे कदे डरा डरूगा ना ना, मैं डर मैं तो ठाडे ठुडा कौन, मैं तो बी पतला पतला यहां, बाकी बैठन की थे बात करो नहीं तो बैठन की तो लोग कह जी आगे थे बैठ के बात करो मार सके, क्योंकि लोग खुश बहुत रहे कभी खड़े खड़े बात ना करो, अभी बैठ के बात करो, मान लो लोग अपने आप क्या पहले बताते बैठना की लोग आ कौन भाई खड़ा करे, मान लो खड़ा तो बन दूसरा करे, मान लोग पसंद ही कौन करे नहीं, भाई तो गम आ जाए, चलो आपका भाषण दे उड़ जाए, और अंग सम्मान करे, हर गाँव में जाओ इकट्ठे जाओ, लोग मान लो बड़ा खुश है, कोई काम खतरा हुआ है, कोई चीज खतरा हुआ है जी जी जी। तो भाई अब यहाँ का तो माहौल हमने देख लिया, इनसे जो मेरे सवाल थे, सवाल तो खैर पार्टी विशेष व्यक्तियों से थे, नॉर्मल राय जो थी गाँव वाला से थी, अरे सिर्फ यह वीडियो इतनी है। और चलो भाई आप इस वीडियो के बारे में राय दे दियो, थोड़ी दे दियो, नहीं तो फिर कल वोट हो लेंगे, 2-4 दिन में जीते देख लें, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।